So I am an American, but I was very lucky. बहुत मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मेरा जन्म एक कृष्ण मंदिर में हुआ और हमने डिसाइड किया कि जीवन में और कुछ है ही नहीं. भगवान का नाम, भगवान का प्रचार, भगवान के गुणगान के अलावा. मन कभी ऐसा कह रहा हो कि मैं इस लाइन में क्यों चली गई, मुझे डॉक्टर इंजीनियरिंग या कुछ बड़ी साइंस में कुछ करना था, ऐसे आपके मन में कभी कोई भाव नहीं आया? मच मोर पावर देन एनीवन एल्स, जस्ट लाइक वृंदावन में श्रीमती राधा रानी, राधा जी का जो पावर है वो कृष्ण भगवान से भी बढ़कर है. तो आपने एक इंडियन लड़के को ही क्यों चुना? कि हमारी शादी हो जाए तो आप ही डिसाइड करना, और अगले दिन ही सब बात तय हो गई थी. तो ये मेरी अपनी मन की बात नहीं है. नमस्कार, मैं नेहा शर्मा, स्वागत है आपका खुली टीवी पर. इस समय जो मेरे साथ हैं, सबसे पहले मैं दिखा दूँ आपको कि मेरे साथ हैं देवी गौरामने जी, राधे राधे देवी जी. राधे, हरे कृष्णा. कृष्णा मैम, मैं बता दूं इनके बारे में कि बहुत सारे लोग इनको जानते भी होंगे और बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो इनको नहीं जानते होंगे. वो इसलिए क्योंकि जो कृष्ण भक्त हैं वो इनको अवश्य ही जानते होंगे. तो बात वहीं से शुरू करते हैं. मैम, आप कृष्ण भक्त हैं? जी, हम बचपन से, हमारा जन्म ही कृष्ण मंदिर में हुआ है. मैम, जैसे आपका जन्म, आपने कहा कि कृष्ण मंदिर में हुआ था, लेकिन मैं बता दूं कि मैम का जो बर्थ है वो इंडियन नहीं है, यानी कि उनका जो बर्थ है वो फॉरेन कंट्री का. तो मैम खुद ही बताएंगी. देवी जी, आपका जन्म कहाँ का है सबसे पहले ये जानना. आई वॉज बोर्न इन अमेरिका एंड सो आई एम एन अमेरिकन, बट आई वॉज वेरी लकी. बहुत मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मेरा जन्म एक कृष्ण मंदिर में हुआ, जहाँ पे उन्होंने हमें सनातन धर्म, जो सनातनी में अपने आप को मानती हूँ, सनातन धर्म बचपन से सिखाया. जैसे कहा मैम ने कि वो अपने आप को सनातनी मानती है, बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि एक ऐसी धरती पर जन्म लेना जहाँ पर सनातन धर्म का शायद उस समय इतना प्रचार नहीं था. मैम, इतने देवी जी, इतना ज़्यादा लोगों को नहीं पता था. लेकिन क्या आपके घर में ही ऐसा माहौल था? और आपने, जहाँ तक मैं बता दूँ कि जो देवी जी की एजुकेशन है वो भी गुरुकुल से जुड़ी हुई है, तो उसके बारे में भी जानते हैं. तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी, जैसे आपने कहा कि सनातन धर्म में आप जोड़ कर खुद को बहुत ही सौभाग्यशाली मानते हैं, तो आपके घर में ऐसा था क्या? जी, एक्चुअली मेरे पिताजी डॉक्टर हैं, और जब वो अमेरिका में थे मेरे जन्म से पहले, उनको पहली बार भगवद गीता मिला अमेरिका में, शिकागो में. तो उन्होंने भगवद गीता को पढ़ के उन्होंने डिसाइड किया कि हमें अपना जीवन भगवान श्री कृष्ण को समर्पित करना है. तो उन्होंने हमारे परम गुरुदेव श्रील प्रभुपाद जी की शरण में आकर फिर हमारा जन्म हुआ, और उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपना लाइफ को डेडिकेट करेंगे भगवान श्री कृष्ण की सेवा में. और उनकी इच्छा ये थी, एक्चुअली मुझे मेडिकल स्कूल में एक स्कॉलरशिप भी मिला था जब मैं बड़ी थी, तो उन्होंने, हमने तैयारी भी की थी मेडिकल स्कूल में, हमने की थी तैयारी. तो फिर उन्होंने बोला, बहुत सारे इंजीनियर, लॉयर, डॉक्टर्स हैं, लेकिन भगवान के प्रचारक बहुत कम हैं. तो इसलिए हमने डिसाइड किया कि बचपन से हमें भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम बाय हार्ट हमने किया, और हमने डिसाइड किया कि जीवन में और कुछ है ही नहीं, भगवान का नाम, भगवान का प्रचार, भगवान के गुणगान के अलावा. यानी कि आप भगवान के चरणों में ही चली गई. तो जैसे मैं एजुकेशन की बात करूँ, आपने कहा कि गुरुकुल में ही पढ़ाई की थी, उसमें क्या क्या पढ़ाव आपकी लाइफ में आए एजुकेशन के दौरान? जी, एजुकेशन में एक्चुअली ऐसा था कि सुबह 4 बजे से हमारा गुरुकुल की शुरुआत होती थी. तो बहुत छोटे थे, मैं 2.5 साल की थी जब हमने नर्सरी शुरू किया, और आप इमेजिन कर सकते हो अमेरिका में छोटे बच्चों को सुबह मंगला आरती में मंदिर लेके जाना कितना मुश्किल होता है, वो भी सुबह 3:30 बजे, 3 बजे हम उठते थे. तो रात को हमें सोना है 4 बजे शाम को, तभी हम सुबह 4 बजे उठते थे. तो ऐसे कभी कभी हम लोग मंत्र जप करते थे, और जब प्रणाम करते थे वहीं हम सो जाते थे. लेकिन जो एक सिस्टम था
जो शास्त्र है, जो गीता है, उसको बार बार बोलना, बार बार याद करना, अपने आप अभी इस जीवन में, सुख में, दुख में, वो ही रटता है मन में. तो ये सबसे बड़ी, आई कैन इमेजिन दैट दिस इज़ द ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ दैट आई हैव इन माई लाइफ. अगर मैं, जैसे अब आपने कहा कि अपने एजुकेशन की बात कर ली, लेकिन लैंग्वेज का बड़ा ही फ़र्क होता है. चाहे आपने वहाँ पे एजुकेशन गुरुकुल में की है, लेकिन आपको मैंने देखा हिंदी बहुत अच्छे तरीके से आती है. और लास्ट टाइम हमने आपसे बात की थी, हम आपके एक प्रोग्राम में आए थे, तो आपने पंजाबी भी बड़ी अच्छे से बोली थी. तो इतनी सारी लैंग्वेजेस आपने कैसे सीखी? देखिए, प्यार की कोई भाषा नहीं होती है. जब कोई प्यार की बात हो, खास करके ठाकुर जी की कोई बात हो जो दिल की बात है, उसमें चाहे पंजाबी हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, तो ये अपने आप आ जाती है, ये मैं मानती हूँ. तो जैसे आपने पढ़ाई की, बीइंग अ गर्ल, आपको किसी पढ़ा पे कोई मुश्किल तो नहीं आई? या आपका मन कभी ऐसा कह रहा हो कि मैं इस लाइन में क्यों चली गई, मुझे डॉक्टर, इंजीनियरिंग या कुछ बड़ी साइंस में कुछ करना था, ऐसे आपके मन में कभी कोई भाव नहीं आया क्या? जी, एब्सोल्युटली. मैं मानती हूँ कि बीइंग अ गर्ल, एक्चुअली वी हैव मोर पावर. और ये मैं संदेश to all the girls, I'd love to give this message that aap ye mat soche ke hum girls hai isliye hum nahi kuch kar sakte. Actually, you have much more power than anyone else. Just like Vrindavan mein Shrimati Radha Rani, Radha ji ka jo power hai wo Krishna Bhagwan se bhi badhkar hai. So being a girl, there are challenges everywhere, but one who takes more challenges becomes more successful. Jitne life mein sangharsh aate, jitne challenges aate, usse hum aur majboot bante hain. Aur uske baad padhav aata hai jab ladki ki shaadi hoti hai. To Divi ji, jab aapki shaadi hui to aapne ek Indian ladke ko hi kyun chuna? Aapko laga nahi ki mujhe wahan ki dharti se hi koi iskon se ya fir wahan gurukul jisne padhai ki ho wahan se shaadi karu? Actually, main manti hu, क्योंकि हम लोग अमेरिका से वृंदावन आए थे और राधा रानी जी के सामने मैं खड़ी थी और मैंने बस हाथ जोड़ के प्रार्थना किया कि अगर ये आपकी इच्छा है कि हमारी शादी हो जाए तो आप ही डिसाइड करना. और अगले दिन ही सब बात तय हो गई थी. तो ये मेरी अपनी मन की बात नहीं है. और बच्चों को भी ये समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमेशा जो माता पिता की जो गाइडेंस है, जो राय है, उसी के बराबर अगर आप चलोगे. अगर माता पिता नहीं मानते हैं तो आपका काम है उनको मनाना, जो शादी की बात जब होती है. और ये हम माता पिता के हाथ में है कि कैसे अपने बच्चों को रेडी करना है, दैट दे लिसन टू अस एट द राइट टाइम. बट जो शादी की बात है, ये भगवान ने ही सब तय किया हुआ था. तो आई फील वेरी लकी. जिस दिन मेरी शादी हुई, दैट वॉज द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ. आपकी शादी, जैसे आपने कहा कि आपने सिर्फ श्री कृष्ण जी के सामने एक विश रखी थी कि जो आपको स्वीकार है वैसा ही होगा, तो आपकी शादी इंडिया में हुई या सारी सेरेमनीज यहीं पर हुई या फिर बाहर? एक्चुअली हम लोग अमेरिका में रहते थे और प्रभु जी भी अमेरिका में ही थे. और हमारे गुरु महाराज गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, उनसे बात हुई मेरे पेरेंट्स के साथ और फिर डिसाइड हुआ और फिर वृंदावन में ही शादी हुई. लाइक इंटरेस्टिंग है. तो देवी जी, हम ये भी जानना चाहेंगे कि आपकी फैमिली में और कौन कौन है? जी, मेरी फैमिली में एक सिस्टर है जो कि अमेरिका में अभी इस्कॉन में ही है. वो वाइस प्रिंसिपल है गोपी गीता माता जी, और वो डैलस टेक्सास में रहती है और वो पूरे इस्कॉन में एजुकेशन मिनिस्ट्री में है. तो एक इंटरव्यू ख़त्म करने से पहले मैं आपकी डेली रूटीन ज़रूर जानना चाहूँगी, क्योंकि एक इतनी ग्रेट पर्सनालिटी होना है, ये आप हम सबके लिए एक इंस्पिरेशन है. मैं बता दूँ कि देवी जी हमारे लिए एक इंस्पिरेशन है, बीइंग अ गर्ल भी, और जो लोग भगवान को मानते हैं उनके लिए भी, कि उनके नाम में इतनी पावर है कि हम जो मांगे वो हमें ज़रूर मिलता है. तो हम आपकी डेली रूटीन ज़रूर जानना चाहेंगे. जो फर्स्ट चीज़ है, जब मैं उठती हूँ, सबसे पहले नहा धो के भगवान को प्रणाम करते हुए हम सबसे पहले जप करते हैं. बिकॉज जब हम हरि नाम का जप करते हैं, चाहे 16 माला का जप हो, चाहे 64 राउंड्स हो, जितनी भी एक माला का जप अगर आप भी करो, या हम तो इनिशिएटेड दीक्षित भक्त है तो हमें 16 माला जप के लिए हम करते हैं. सो फर्स्ट थिंग बिफोर आई डू एनीथिंग एल्स इन द डे इज आई चांट हरि नाम माला में जप करती हूँ. उसके बाद ठाकुर जी की सेवा करती हूँ, भोग लगाती हूँ. उसके बाद जो गृहस्थी है, जैसे बच्चों को प्रसाद देना, मेरे हस्बैंड का ख्याल रखना, घर को संभालना, और उसके बाद फिर
गीता का प्रचार जो है, भागवत का प्रचार, तो ये सारी चीज़ें, वी आर सो लकी, बहुत कुछ हमारे पास है जो हम लोग इतना कुछ कर सकते हैं. एंड दैट्स व्हाट आई बिलीव दैट एवरी वुमन हैज़ दैट पावर. तो जाते जाते हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आप हमारे व्यूज के लिए क्या एक संदेश कह लीजिए या मैसेज देना चाहेंगे. एक ही संदेश है, दुनिया में हमारे पास कुछ भी नहीं जाने वाला है, केवल और केवल प्रभु का नाम. भगवान का नाम में संपूर्ण शक्ति है. नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्वशक्ति स्तत्रार्पित नियमित स्मरणे न काल एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवमिदृशमिहा जनिनानुराग. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. आप भगवान को ढूंढते हो लेकिन कभी कभी वो नहीं मिलते हैं. जब आपको भगवान नहीं मिलते हैं तो भगवान खुद आते हैं आपको ढूंढने, आपसे मिलने के लिए. लेकिन पहले हमें बनना है धाम. धाम का मतलब है जहाँ भगवान वास करते हैं. तो अपने दिल को एक धाम बनाओ और वहाँ भगवान आके वास करेंगे. हरे कृष्णा. तो ये हमारे साथ देवी गौरामणि जी थी, जिनसे बात करके हम ये ज़रूर जान सके हैं कि भगवान को याद करने के लिए कभी भी किसी समय स्थान की ज़रूरत नहीं है. भगवान को सिर्फ भाव की ज़रूरत है. जहाँ भाव आ गया भगवान वहीं चले आते हैं. तो इसी के साथ फिर से मिलेंगे कुंडली टीवी पर. धन्यवाद.